हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेबी की हार्ट बीट से क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमको होने वाला बेबी जो है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। इस पर बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होगी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा बेबी की हार्ट बीट को लेकर, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं अपना अल्ट्रासाउंड भी दिखाने वाली हूँ। मैंने अपने पूरे प्रेगनेंसी में 4 अल्ट्रासाउंड कराए थे, तो चारों अल्ट्रासाउंड में मेरी बेबी के जो हार्ट बीट है वो कितनी आई थी वो सब मैं आप लोग के साथ शो करने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है मेरा बिल्कुल भी जनरल को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये जो वीडियो है सिर्फ उन लेडीज़ के लिए है जिनको जिज्ञासा होती है जानने की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि हमको क्या होने वाला है, बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय। जैसी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उसके मन में ये ख्याल ज़रूर आता है, और मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं भी इस तरह की वीडियो देखती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था ये चेक करने में कि मुझे क्या होने वाली है। लेकिन जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको मन में ही वो महसूस कर पाती है कि उसको क्या होने वाला है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे बहुत सारे लोग देख के बोलते थे कि मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, मुझे बेबी बॉय ही होगा। मेरी डिलीवरी होने से पहले मैंने अपने बेबी का नाम भी रख दिया था, मैं उसको लड्डू बुलाती थी। तो जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम अपने बेबी से बातें करते हैं, तो मैं उसको छोटा लड्डू कह के बुलाती थी। और जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे हुआ भी बेबी बॉय। तो एक माँ को ही पता होता है कि उसके गर्भ में क्या पल रहा है, जो फीलिंग होती है सबसे अलग होती है। तो एक माँ ये महसूस कर पाती है डिलीवरी से पहले ही कि उसको क्या होने वाला है और क्या नहीं। आई थिंक आप लोग भी ये महसूस करने लग गए होंगे अब। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है जनरल प्रेडिक्शन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। इस चैनल पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मैंने अपने प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया है अपने बेबी को लेके, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ। बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ इससे रिलेटेड, गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपके पूरे प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं कि FHR से रिलेटेड लोग क्या बातें कहते हैं और कौन सी बातें सही है और कौन सी गलत। ये जो बेबी की हार्ट बीट को लेके लोग बातें करते हैं वो 50% सही भी होता है और 50% गलत भी होता है। तो ये बिल्कुल ही मत बैठ जाइएगा कि मेरे बेबी का हार्ट बीट इतना है तो मुझे बेबी बॉय ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जनरल प्रेडिक्शन होता है ये 50-50 होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एज अ फन वे में इसको लीजिएगा, सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है जब हमारी बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 से ज़्यादा है तो हमको बेबी बॉय होगा। उसके अपोजिट अगर हमारे बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 से कम है तो बेबी गर्ल होगी। तो ये बात कितना सच है कितना नहीं, उससे पहले मैं आप लोगों को अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा देती हूँ और उसमें देख लीजिए। मैंने अपने प्रेगनेंसी में पूरे 4 बार अल्ट्रासाउंड कराए थे, तो चारों अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और उसमें मेरे बेबी की हार्ट बीट कितनी आई वो आप देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, ये है मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो मैंने 9 वीक में कराया था, और इसमें आप देख सकते हैं बेबी के जो हार्ट बीट है वो 147 है। मेरा दूसरा अल्ट्रासाउंड जो मैंने 6 वीक में कराया था, और इसमें बेबी की जो हार्ट बीट है वो 173 है। और ये है मेरा तीसरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इसमें बेबी की जो हार्ट बीट है वो 144 है। और ये है मेरा चौथा रिपोर्ट जिसमें बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 है। सो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मेरे पूरे प्रेगनेंसी में, मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी में 4 बार अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें मेरी बेबी की जो हार्ट बीट है वो हमेशा 140 से ऊपर ही रही। तो इसके हिसाब से मुझे बेबी बॉय होने वाला था और मुझे बेबी बॉय ही हुई। मेरे केस में ये जो बातें हैं कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 से ज़्यादा है तो बेबी बॉय होगा, वो सच साबित हुई। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में भी ये बातें सच साबित हो। बेबी की हार्ट बीट कितनी है तो क्या होगा, बस मैंने आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।